नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नवंबर 2017 में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहे हैं उनमें से 50 को मैं अपने चैनल पे इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये सभी प्रश्न आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत तथा कजाकिस्तान के बीच 2 नवम्बर से 16 नवम्बर के बीच सम्पन्न सैन्य अभ्यास था। दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच जो अभी सैन्य अभ्यास हुआ था उसका क्या नाम था, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, प्रबल दोस्ती 2017। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा भारत नेट के दूसरे चरण की शुरुआत 13 नवंबर 2017 को कहाँ की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव कृषि विश्वकुंभ 2017 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में जैव कृषि विश्वकुंभ 2017 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 16 से 20 नवंबर 2017 के बीच आयोजित बाल अधिकार सप्ताह को क्या नाम दिया गया। तो इसका आंसर होगा हौसला 2017। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाँचवा क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन की मंजूरी 10 नवंबर 2017 को दी गई थी। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति जेपी वेंकट रमा को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो आयोग है ये राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 18 नवंबर 2017 को भारत की रेटिंग में सुधार करते हुए कौन सी रेटिंग प्रदान की। तो इसका आंसर होगा Baa2। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 18 नवंबर 2017 को भारत की रेटिंग में सुधार करते हुए Baa2 रेटिंग प्रदान की। वर्ष 2004 के बाद भारत को पहली बार यह रेटिंग प्राप्त हुई है। मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa3 से बढ़ाकर Baa2 कर दी है। Baa3 रेटिंग निवेश की न्यूनतम ग्रेड है जिसे जंक दर्जे से ऊपर माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने कितने वर्षों के बाद भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14 वर्ष। 14 वर्षों के बाद मूडीज ने भारत की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 22 का संबंध है, भारत 22 जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो भारत 22 है ये पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड 2017 चुना गया है। मिस वर्ल्ड 2017 स्पर्धा कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों 2017 की मिस वर्ल्ड जो स्पर्धा है वो सानिया जो चीन का शहर है वहाँ पर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, दलबीर सिंह भंडारी को किस संस्था में पुनर्निर्वाचित किया गया। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ICJ उसमें दलबीर सिंह भंडारी को पुनर्निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति तथा विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका उत्तर होगा 10 नवंबर। 10 नवंबर को शांति तथा विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का आयोजन कब होता है। तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने 16 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में किस संस्था की स्थापना को स्वीकृति दी। तो दोस्तों इस संस्था का नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
12वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन तथा 15वें भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2017 को कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस के मनीला शहर में 12वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन तथा 15वें भारत आसियान सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने 20 नवंबर 2017 को उदय स्कीम में प्रवेश के लिए हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसमें पुडुचेरी को छोड़कर जो जितने हैं, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, तो इन सभी ने 20 नवंबर 2017 को उदय स्कीम में प्रवेश के लिए हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, WHO ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 नवंबर 2017 को कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मॉस्को, रूस। रूस के मॉस्को शहर में WHO ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 नवंबर 2017 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 5 नवंबर 2017 को संपन्न नेशनल साइक्लोथान का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सतबीर सिंह। सतबीर सिंह ने ये खिताब जीता था नेशनल साइक्लोथान का। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2017 का खिताब इंग्लैंड ने किस देश की टीम को हराकर जीता? तो इसका आंसर होगा स्पेन। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2017 जीती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को जो संस्था है इसमें भारत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, साथी अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऊर्जा। जो साथी जो अभियान है, साथी, ये ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र 2017 में भारत का सहभागी राष्ट्र था। तो दोस्तों इंद्र 2017 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, ये भारत और रूस के मध्य हुआ था। भारत तथा रूस के बीच तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2017 का सफलतापूर्वक संचालन 19 से 29 अक्टूबर 2017 तक रूस के व्लादिवोस्टक में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, सागरमाला परियोजना के लिए 3 नवंबर 2017 को केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2302 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना की निर्माण अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 31 मार्च 2020। इस समय सीमा तक ये परियोजना को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2017 को किसके साथ सोलर पार्क प्रोजेक्ट के आधारभूत संरचना निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। भारत ने जो 19 नवंबर 2017 को विश्व बैंक के साथ सोलर पार्क प्रोजेक्ट के आधारभूत संरचना निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य भारत 2017 सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2017 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2017 सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 नवंबर के बीच किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक सड़क कोयला वितरण क्या है? तो दोस्तों ग्राहक सड़क कोयला वितरण एक मोबाइल ऐप है जो कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप जिसे कोल इंडिया ने तैयार किया है को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो ऐप है ग्राहक सड़क सेवा वितरण, इसे कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वीप विकास एजेंसी की दूसरी बैठक 8 नवंबर 2017 की किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हमारे
केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने द्वीप विकास एजेंसी की दूसरी बैठक जो 8 नवंबर 2017 को हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस देश की संसद ने 13 नवंबर 2017 को समलैंगिक विवाह संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 13 नवंबर 2017 को समलैंगिक विवाह संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। इससे पूर्व हुए जनमत संग्रह में 61.1% मतों के साथ समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दी गई। 38.4% मतदाताओं ने समलैंगिक विवाह के विरुद्ध मत किया था। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश की सेना ने 15 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति को नज़रबंद कर दिया? तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश की जो सेना है उसी ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को 15 नवंबर 2017 को नज़रबंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 2017 एपग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा डानांग वियतनाम। वियतनाम के डानांग शहर में 2017 एपग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है किस देश के उप प्रधानमंत्री को न्यायालय ने पद के अयोग्य करार दिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को न्यायालय ने पद के अयोग्य करार दिया है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है उसके उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2017 को देश के उप प्रधानमंत्री तथा 4 अन्य सेनेटर को पद से अयोग्य करार दिया। उप प्रधानमंत्री बारनेबी जायस तथा 4 सेनेटर को दोहरी नागरिकता के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। इनके ऊपर दोहरी नागरिकता का मामला था इसलिए इनको अयोग्य ठहराया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत तथा किस देश के मध्य बंधन एक्सप्रेस का परिचालन आरंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ये जो बंधन एक्सप्रेस ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के मध्य चलनी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 नवंबर 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंधन एक्सप्रेस के परिसंचालन की शुरुआत की। बंधन एक्सप्रेस का परिसंचालन कोलकाता पश्चिम बंगाल से खुलना बांग्लादेश के बीच किया गया है। ये जो ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से जो बांग्लादेश का दूसरा शहर है खुलना वहाँ तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच ने 2 नवंबर 2017 को नवीनतम लैंगिक समानता सूचकांक रिपोर्ट जारी की, इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 108। विश्व आर्थिक मंच ने 2017 को जो नवीनतम लैंगिक समानता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत 108वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर होगा 100। विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2017 को द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 जारी की, भारत को 190 देशों की सूची में 100वां स्थान दिया गया। अक्टूबर 2016 में जारी द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को 130वां स्थान दिया गया था। इस प्रकार अगर हम कहें तो भारत को एक साल में 30 पायदान का फायदा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को रसगुल्ला का भौगोलिक संकेतक GI दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को 14 नवंबर 2017 को रसगुल्ला का भौगोलिक संकेतक GI दर्जा प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा ने GI प्राप्त करने के लिए आवेदन वर्ष 2015 में दिया था। चेन्नई में स्थित GI दफ्तर ने रसगुल्ले की उत्पत्ति स्थल पश्चिम बंगाल को मानते हुए GI जारी किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 12 नवंबर 2017 को उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है इसने 12 नवंबर 2017 को उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक क्षय रोग की समाप्ति के लिए किस अभियान को आरंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वैश्विक प्रयास। ये जो अभियान है इसका नाम है वैश्विक प्रयास। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक क्षय रोग की समाप्ति के लिए इस अभियान को चलाया है। अगला क्वेश्चन है
भारत तथा किस देश के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास इम्बैक्स 2017 संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास इम्बैक्स 2017 संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नितिन ए गोखले। सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, ये पुस्तक नितिन ए गोखले की है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2017 संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीलंका। भारत तथा श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2017 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन 13 से 25 अक्टूबर 2017 के बीच पुणे जो महाराष्ट्र में है में किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, 2017 महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चीन। 2017 महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने चीन को हराकर खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, 6 नवंबर 2017 को किसे केंद्रीय वित्त सचिव चुना गया है? इसका आंसर होगा हसमुख अधिया। हसमुख अधिया को 6 नवंबर 2017 को केंद्रीय वित्त सचिव चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, 20 नवंबर 2017 को किसे अंतर्राष्ट्रीय साथ निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2016 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 19 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2016 प्रदान करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ड्रोन संचालन से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 2 नवंबर 2017 को ड्रोन के नागरिक उपयोग होते नागरिक उड्डयन नियम ड्राफ्ट अधिनियम लागू किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2017 में किस देश के पासपोर्ट को शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2017 में सबसे ज़्यादा पावरफुल घोषित किया गया है। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।